हाय, कैसे हो? आपको पता है ना कि आपके लिए टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन तब भी आप कभी कभी जानबूझ के इसको वेस्ट कर देते हो। आपको पता है कि आपके लिए डेली टारगेट्स जो हैं, वीकली टारगेट्स, ये टारगेट्स सेट करना कितना इम्पोर्टेंट है आपके इस तैयारी फेज़ में, लेकिन आप उसको नहीं समझते हो और आप सेट नहीं करते हो। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ये जो टाइम है ना, अगर आपका चला भी गया, आप में से बहुत से लोग का मैसेज आता है मेरे पास कि सर मुझे लगता है कि शायद मैं 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा आज तक एक भी प्री नहीं निकला। सर मैं 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सर मेरा प्री निकलता है, मीन्स नहीं निकलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। और उसके बाद आप कहते हो सर अब मैं क्या करूँ, मुझे लगता है मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। रॉबिन शर्मा को आप में से बहुत से लोग जानते होंगे ना। रॉबिन शर्मा एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एक ऑथर भी रह चुके हैं वो, ठीक है। उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, आप पढ़ना कभी फ्री होना तो। 5 AM क्लब और द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, इसमें से एक उनकी बुक थी कि हु विल क्राई व्हेन यू डाई। तो उस बुक में उनका एक कोट है, आपको दिख रहा होगा, कि द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट द टाइम इज दैट यू कैन नॉट वेस्ट इट इन एडवांस। आपने जो कर दिया, जो टाइम आपका वेस्ट हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपका अपकमिंग टाइम है, जो आपका रियल टाइम है, जिसमें आप सिलेक्शन लेने वाले हो, वो आपका रियल टाइम है। उसको तो मत वेस्ट करो, या फिर उसको तो वेस्ट करने की तैयारी मत करो। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि आपको टारगेट क्यों सेट करना चाहिए। आप डेली टारगेट सेट नहीं कर पा रहे तो आप वीकली टारगेट सेट करो, आप मंथली टारगेट सेट करो, आप ईयरली टारगेट सेट करो, आप 6 मंथ का प्लान बनाओ, आप 2 मंथ का प्लान बनाओ, बट आपका प्लान बनना चाहिए। हमेशा आप तैयारी करते हो तो आपका एक प्लान होना चाहिए कि अगर आज मैं एक मॉक टेस्ट ले रहा हूँ और मेरे स्कोर में जो है, अगर मेरे स्कोर अभी 50 परसेंटाइल पे हैं, 60 परसेंटाइल पे हैं, तो ये इस मंथ के एंड तक जो है 80 परसेंटाइल या 90 परसेंटाइल तक जाना चाहिए, और उसके लिए मैं डेली काम करने को तैयार हूँ। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप ये बात नहीं समझोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका एग्ज़ाम निकलना। जितने भी लोग के मैसेज आते हैं सर मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, तो आप तो ये समझो ना कि जिस दिन आपको ये रियलाइजेशन होता है, जिस दिन आपको ये बात पता चलती आता है कि हाँ यार मैटर तो वो नहीं करता ना जो वेस्ट कर दिया, जिस टाइम में सिलेक्शन लेना है वो तो फ्यूचर का टाइम है, और उसको तो हम फर्दर एडवांस में वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। यही तो इम्पॉर्टेंट थिंग है टाइम की, कि आप उसको फ्यूचर में जो टाइम आने वाला है उसको वेस्ट नहीं कर सकते। गलती आपसे हुई पास्ट में, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फ्यूचर की तैयारी तो करो जब आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप टारगेट सेट करो। बोलते हो सर टारगेट दो, टारगेट दो, टारगेट देखो आपको खुद सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद पता है ना कि आप किस पोजीशन पे हो। मुझे नहीं पता आपने तैयारी जस्ट अभी स्टार्ट की है, आप 2 साल से कर रहे हो, आप 3 साल से कर रहे हो, या फिर आपको अभी 2 महीना हुआ है। आप टारगेट खुद सेट करो। मैं आपको एक मोटा मोटा एक प्लान दे दूंगा कि आप मंथली में, 1 मंथ में आपको इतना करना चाहिए, 1 साल में आपका ये होना चाहिए, 6 मंथ का टारगेट मैं आपको दे सकता हूँ, बट मैं डेली आपके लिए प्लान सेट नहीं कर सकता। डेली आप जिस लेवल पे हो आप खुद तैयारी सेट करो, आपका खुद प्लान होना चाहिए, खुद टारगेट सेट करना चाहिए, और ये आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। या तो आपके दिमाग में होना चाहिए, अगर दिमाग में नहीं रख पा रहे तो कहीं लिख लो, मोबाइल में लिख लो, नोट्स में लिख लो, मोबाइल में नोट्स आते हैं, वरना किसी पेन पेपर पे लिख के दीवार पे वॉल पे स्टिक कर दो, ठीक है। चाहिए आपको पता है कि आपका SBIPO का एग्ज़ाम होने वाला है, मान लो दिसंबर में, मान लो जनवरी में, अभी आपके पास जो है 3 से 4 महीने हैं, तो आपके पास आज से 3 से 4 मंथ का प्लान रेडी होना चाहिए, मोटा मोटा प्लान। मैं ये नहीं पता कि मुझे हर दिन का, मैंने आज तक कभी डेली एक एक दिन का लिख के नहीं बनाया, लेकिन मेरा हमेशा वीकली, 1 मंथ में मुझे क्या करना है, ये मोटा मोटा आइडिया मेरे दिमाग में होता था। इवन मैं कई बार लिख भी लिया करता था। तो मैं आप लोग से वही बोलता हूँ कि आपको लिखना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। कई बार हम लोग इतने डिल्यूजन भी जीते हैं कि बस हम कुछ भी किए जा रहे हैं और अचानक से हम मॉक देते हैं या फिर एग्ज़ाम दे के आते हैं और होता नहीं है, और हमको रियलाइज़ नहीं होता कि हमारा एग्ज़ाम में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। एग्ज़ाम में सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप एक डिल्यूजन में जी रहे थे कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। आप रियलिटी में तो आओ, मॉक्स में जो आपके स्कोर आ रहे हैं उनका एनालिसिस करो। एनालिसिस से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके परसेंटाइल इंप्रूव होने चाहिए। आप लोग ये पूछते हो कि सर मेरा जो है 2 साल से हुआ नहीं, तो आपका हुआ नहीं तो ये चीज़ आपको एनालाइज करनी थी ना, और अगर नहीं किया तो अब करो ना। आपकी एनालिसिस ही आपको बेटर सेल्फ बना सकती है। देखो एक कहावत है कि आप अपने कॉम्पिटिशन खुद हो, तो ये बात आपको पता है ना, और उसी तरह से आप ही एक हो जो अपने आप का बेटर सेल्फ वर्जन क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपके अंदर ही है कि आपको अपना बनाना है, अपना बेटर वर्जन, और वो कैसे बनाओगे, एनालिसिस करो ना हर मॉक की, हर पेपर की, जो भी आपने दिए हैं, प्री दिए हैं, मेंस दिए हैं, आपको पता होगा कि आप कहाँ लैग किए थे। आप में से कई लोग बोलते हो सर मुझे कंटेंट अच्छा नहीं मिलता, मुझे शायद टाइम नहीं मिलता, सबके अलग अलग रीज़न होते हैं,
तो सबका मैं बोलूँगा सब कहीं ना कहीं एक बहाना है कि आपको कंटेंट नहीं मिलता। मैं बताता हूँ आपको कंटेंट कहाँ मिलता है। मैंने यूट्यूब से पूरा फ्री कंटेंट बता रखा है, मैंने पेड कंटेंट बता रखा है, आप ये खरीदो वो खरीदो, जो भी आपको पसंद है आप खरीदो, आप पढ़ाई तो करो। आपके लिए मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है। आप टाइम की बात करते हो कि मुझे टाइम नहीं मिलता आप कि मैं सर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, या ट्यूशन तो मैं भी पढ़ाता था। आप बोलते हो सर मैं कॉलेज में हूँ, कॉलेज का में रह के भी पढ़ाई की जा सकती है। इसका मैं आपको वीडियो बहुत जल्दी ला के दिखाने वाला हूँ, आपको पता हो चलना चाहिए कि आप कॉलेज में रह के कैसे तैयारी कर सकते हो। तो हमेशा ये जो एक्सक्यूज़ देने वाली चीज़ें हैं ना, ये अपने आप को देना बंद करो, वरना आप हमेशा अपने आप को जो भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा उसमें सांत्वना दे दोगे कि जो है ये प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं निकला, ये प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं निकला। आप 5 लोग को बताओगे और कभी फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने आप से झूठ बोलने लगोगे, और जिस दिन ये आ जाएगा ना कि आप अपने आप झूठ बोलने लगोगे वो दिन आपका बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। क्योंकि हमेशा आदमी किसी से सच बोले या ना बोले अपने आप उसको ट्रू होना चाहिए, आपको अंदर से पता होना चाहिए कि आपने कहाँ कमी की। जब मैं अपने प्रिपरेशन डे में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था तो कभी कभी मुझे खल जाता था कि हाँ यार जो मुझे करना था पिछले 2 महीने में वो मैं अचीव नहीं किया हूँ, तो मेरे रिजल्ट शायद उतने अच्छे नहीं आएंगे। फीलिंग आ जाती है, आपको आइडिया लग जाता है। इवन मेरे बैंकिंग की प्रिपरेशन के डेज में भी मुझे कभी कभी, जैसे मान लो मैंने पूरा हफ्ता अगर वेस्ट कर दिया कुछ भी, जल्दी चला गया लाइब्रेरी से घर, कहीं पार्टी में जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, दोस्त सर हैंग आउट कर रहा हूँ, चला गया, मतलब कुछ भी कर रहा हूँ, तो मुझे एक हफ्ते बाद ही मतलब ये रियलाइजेशन होता था कि नहीं नहीं अगर ऐसे चलता रहा तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आपको टारगेट सेट करना चाहिए आपको। चलो मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखना, बस एक इम्पॉर्टेंट बात दिमाग में आ गई तो मैंने कहा आप लोग को बता दूँ, आप लोग के कॉमेंट्स थे, आप लोग की क्वेरीज थी, इसलिए बताना जरूरी समझाना इसको। चलो।